गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। नाश्ते के साथ ही आज के ब्लॉग का आगाज हो रहा है। इस तरह से ग्लेन कासिम के पास नाश्ता करके फिर हमने यहाँ से करनी है सीधा डायरेक्ट वापसी। घर रेडी शेडी हो गए हैं। इधर ये कतू खा वैसे मेरा यार सेव। अच्छा एक पराठा मेरे दो तेरे नहीं मैं याद था मेरे अठाई तेरे पराठे भाई आ वैसे मैं दोनों वाले लूंगा ये पराठा खत्म कर जाएगा। ये इतना तेज है इसलिए पहले नाश्ता करते हैं। हम जा रहे हैं वापस, चले जाए रेडी ठीक है सारे पकी गाले अपना सामान सामान सारा पार्सल करो मैं मतलब पैक करो। तो भाई अली आजा 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 जानू। ओ सॉरी जरानू क्या कर रहे हो, आ जाओ चलें घर आ जाओ, आपकी दादो माँ आपके लिए मौजी होगी। चलो चलो नीचे जा रहे हैं गाड़ी में। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। टाइम हो गया 11 का, लेकिन जहरान का ना दूध हो रहा है बॉयल। इसका जो घर से दूध लाए थे वो हो गया था ख़राब, तो अभी बस इसका दूध बॉयल हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ गाड़ी में बैठ के हम पहुंच जाएंगे अपने गांव वसावे वाले चाक नंबर 161। ज़रूर ये देखो, वो देखो सामने क्या बिल्डिंग है। अली डिग्गी रख दे सामान जरा चाहिए बताए, खोल डिग्गी देख तरतीब ना रखा करो ना, ही मैं बेतरतीबा बिच छाड़ देना भी वाला ख़राब थी मैंने। बस ठीक है ठीक है बहुत सही ठीक है इंशाल्लाह। यार कोई दिक्कत नहीं अच्छा चलो ठीक है। ये तो बिल्कुल नींद पे आया होता है ना जो ही कार के लेटे नींद पे आ गए अच्छा जान के तो नींद पे आया पे कार है ऐसा गलत आने पे ये गलत आने नहीं रोड तो ये परले है डैम वाला ये बेगम इस्लामाबाद से वापस जाते जाते कोई आखिरी ख्वाहिश आखिरी ख्वाहिश था लेकिन पूरी नहीं की। अच्छा पिज्जा चीज़ अभी तो नाश्ता करके निकले हैं कहाँ से ठंडा हो जाएगा ना, ये आखिरी ख्वाहिश आपकी गलत है। अच्छा। चलो ऐसा करता हूँ मैं आपको ना जमील स्वीट्स की रस मलाई खिला देता हूँ, बहुत मज़े की होती है यार वो रस मलाई। कुछ खास होना चाह सा बस वो रस मलाई ऐसी कौन नहीं जानी ये सामने है जमील स्वीट्स। करें पांच रसमलाई कर दें ठीक है सिंगल ठीक है पार्सल ला दें जो पार्सल के हाँ पार्सल वो आज ये काले वाले ब्लॉग खींचना तो सब एमएम चीजें काट के दिया। हाँ ये जो माउंट एंड लेक वाला मैंने ब्लॉग अपलोड किया है ना लास्ट, उसमें बहुत सारे ऐसे मज़े मज़े के सीन थे जो मैं डाल ही नहीं सका। उसकी वजह यह है कि वो रिकॉर्ड हुए थे इसमें गोप्रो कैमरा में, गोप्रो कैमरा वाले सीन थे, लेकिन वो जब मैं लैपटॉप पे एडिटिंग करता रहा हूँ ना वो लैपटॉप इतना स्लो चलता है, इतना स्लो वीडियो उसमें ना ऐसे रुक रुक के चलती है ऐसे वो एडिटिंग होती नहीं है। उसमें नहीं घर वन के एडिट करके अपलोड करो अच्छा वीडियो ना लेट ही थी बन जाए बस मैं कह भाई हिट ए जा व्लॉग बनाओ चाहे जने भी चक के मजे मजे वाले सीन हो मिसिंग सीन्स ठीक सारे भी कुछ मतलब सारे भी कुछ सीन हो ठीक है ठीक एक वो वाला ही व्लॉग अपलोड कर ठीक यानी कि सारे टोटल ओके कारी ओके ही कंगाल कितने लगा करे से। हां कितने पैसे? 850। अच्छा ये बताएं कि आपके पास पानी वाली बोतल होंगी नेस्ले वाली छोटी है हाफ लीटर हाफ लीटर में जी कितने की है? 50 रुपये तो वो दो लेंगे दो। हाँ चलो अच्छा तेरी रखता चेक करें ये होती है मलई सॉरी ये रस है ये मलई है ये रस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स आज हम जा रहे हैं टोटली न्यू रास्ते से, पहले जाएंगे डेर इस्माइल खान वहां से फिर आगे पत्थर वहां से आगे लिया Oh
असल में ना कुछ दिन पहले मेरे सिस्टर लोग आए थे इस्लामाबाद से, वो डेरा इस्माइल खान वाले रोड से आए थे। अब डेरा इस्माइल खान तक तो वैसे ही मोटरवे है, आगे फिर 130 किलोमीटर और है, लेकिन अगर मियाँ वाली वाली साइड से जाएं तो तकरीबन 250 किलोमीटर बगैर मोटरवे के करना पड़ता है। और MM रोड भी उस पर रोड़ा डला हुआ है, काफ़ी बन रहा है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि डेरा इस्माइल खान, फिर वहाँ से बखर, फिर वहाँ से करोड़, फिर वहाँ से लिया, ये वाला रूट इस्तेमाल कर लेना, ये उससे काफ़ी बेहतर है। तो आज हम ये वाला रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈੱਟ ਥਿਆ ਕਰਾ ਕਰੋਸ 125 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪੇ ਚਲ ਸਕੇ ਹਲ ਬਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਆ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਚਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ MGH ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਾੜੀ ਮੋੜਾ ਪਟੇ ਕੋਈ ਬੋ ਮੋੜ ਛੋੜ ਵੀ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਸਿਵਿਕ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਾੜੀਆਂ ਚ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਨੇ ਅਲਬਤਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਪੀਡ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਬੀ ਜੁਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆ ਮਤ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये जो है ना क्या कहते हैं ये जो रेस्ट एरिया यहाँ पे ये फ्यूल वाला भी ये छोटा सा एक पॉइंट चालू है पीछे जो मेन पेट्रोल पंप है उस पर अभी फ्यूल नहीं आया कल कलाम से निकलते हुए फ्यूल डलवाया था फिर आज इस्लामाबाद से भी नहीं डलवाया तो अभी फिर यहाँ से 5000 का फ्यूल डलवा लेते हैं अच्छा अच्छा वो बोल रहे हैं कि जनरेटर चला रहे हैं जनरेटर बंद पड़ा हुआ है मेरे ख्याल में ये अलैकुम क्या लेस दे दें दो जी सर 50-50 वाले बड़े लेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही उठा लूँ और ये दो लेस आ गए और जूस पड़े हैं ठंडे शीजान वाले नहीं कोई और कंपनी है तो बोले ये बताएं यहाँ इस मोटरवे पे ट्रैफिक बहुत कम है क्या वजह इसकी बिल्कुल ना होने की एक दो गाड़ी अभी डायरेक्ट नहीं हो रहा यारक से आगे ना अच्छा जॉब पे अच्छा ये अभी ये वाला एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं ये बलूचिस्तान में है या केपी के में अच्छा केपी के में सही है चलें इनका बिल करें डियर इरफान मैंने अभी ये मोटरवे टैग लगवा दिया था M टैग ये देखें उम्मीद है अरे लगा बताइए सामने व्यूअर्स डी आई खान में ना डी आई खान का एक मशहूर है सोन हलवा तो शहर से गुजर रहे थे ये बोर्ड देखा तो हमने सोचा यहाँ से लेते जाएं यार लग तो ये भी रहा है क्या रेट है किस तरह किलो है किलो वाला डब्बा किलो वाला 600 ये असली है जो डेरा इस्माइल खान का मशहूर है स्पेशल है चलो ऐसा करें ना आधे आधे किलो वाले दो बना आधे किलो वाले दो हाँ गुड बाय खैबर पख्तूनख्वा वाह भाई वाह बखर से क्रॉस कर रहे हैं बखर शहर क्रॉस कर रहे हैं हाँ 6:04 हो गए हैं और अपने प्यारे से शहर लिया में पहुंच गए हैं हम जरूर अपना शहर देख रहे हो मेरे बेटा अपना शहर देख रहे हो हाँ अच्छा बच्चे ना नाश्ता करके टुरिया से हूँ घर पता नहीं कैसे पक्की पी हो सको ना बंदा इतना लंबा सफर करके जब आए ना तो घर के करीब बंदा पहुंच जाए तो फिर ब्रेक घर में ही लगती है उससे पहले कोई ब्रेक नहीं लगाने का दिल करता जरा बार मुंह लग पोसिया कैसे करो घर पहुंच गए अस्सलाम वालेकुम मॉम क्या हाल है पूरे आ गए आपके मैं के पहुंच गए था घर कैसे पहुंच भी गए हैं कल फिर ना और क्या हाल है मेरा यह क्या बहुत गर्मी है भाई इधर तो बहुत गर्मी है हम तो सर्दी देख कर आ रहे हैं सर्दी इधर क्या हाल है तेरा
तो ठीक है जी। टैट पता रहेगा जी। साकु मिस तक कोना भी किता किता अभी मतलब सारी याद आई तेरे को। अच्छा इयो अच्छा जरूर रेशन दितन क्या घर आके हैं जरूर कोई एक्सप्रेशन दो बेटा आज घर जो आए हो 5 दिन बाद हैं। जाज क्या हाल है सर? क्या हाल है? ठीक हो? किरे बेना प्याम है बस रे बेना से घर घर ते बेना प्याम ना घर वाले पास है। क्यों हां क्या करूं काम कई बेना क्या काम कई। अच्छा तो तब करन पता लगा भी मैं कौन नहीं मैं तो इन वायो तो जहां दिखन वा क्या ना कि नहीं वा वा क्या है रे पर मारे। अच्छा तक रेडी तो पूछा ना बे ठीक रख दा दे। अच्छा वा के चल भाग जा सब जाने से। अच्छा चांज भाई दिलावर पूछावा भाई वानी जा सब पूछा। हां हां मिला करे मेरे भांजी और भांजे लोग भी आए हुए हैं। हम आए ना इधर डेरा इस्माइल खान वाली साइड से। वो मशवरा मेरी बहनों ने दिया था। बहन आपको तीली लगे गलत मशवरा दिया था क्योंकि वो जिया रोड है डूबी कोई फर्क नहीं 19-20 का फर्क होगा। मुझे ये नहीं पता कि 20 कौन सा 19 कौन सा। वो 7 घंटे लगे वो 7 घंटे लगे तो ठीक है बहुत ज्यादा भरना हो जाए बहुत ज्यादा 19-20 का भी उस फर्क होगा। मुझे लगता है मियाँ वाली वाला रोड ज्यादा बेहतर था इससे शायद या बस 19-20 का फर्क है। किसी ने अगर इधर से जाना हो तो वो खुद तजर्बा करके देख ले। आ जाओ हाशिर हाशिर आ जाओ बेटा आ जाओ। ए व्यूअर्स आज पूरे 5 दिन बाद लस्सी पी रहा हूँ दूध वाली। ओए इतनी कितो देख मेरे फोन दे चढ़ी वाली इतनी तिनिया इन्हें को देख के ये सफाई करनी पूछी पूरी पूरे 5 दिन बाद लस्सी पी रहा हूँ कसम से मेरा ऐसे ठंडक मिल गई है पूरी अंदर जी मेरा बेटा थके हुए थे बहुत ज्यादा। अच्छा व्यूअर्स टूर के हवाले से जो है ना वो बाकी बातें बातचीत इंशाल्लाह कल करेंगे क्योंकि आपको पता है 4-5 दिन का टूर लगाया तो थका हुआ बहुत हूँ। आज भी साफ जाहिर इतना सफ़र करके आए तो थकावट तो बहुत ज़्यादा है। मैं जब गाड़ी में आ रहा था ना मुझे फील ऐसे हो रहा था कि मैं शायद नहीं थका हुआ लेकिन जैसे ही गाड़ी से उतरा हूँ ना ऐसे लग रहा था ना टांगों में जान है और ना बाजुओं में बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कल तक मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।